Firas? Limon. चलें जी, ये रही मस्जिद। और मस्जिद का आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी बता दी, मस्जिद अंदर से भी दिखा दी। और सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है, और मुझे जहाँ तक लगा ठंडी ठंडी हवाएं चल गई हैं, टेम्परेचर काफ़ी गिर गया हुआ है। और जहाँ तक लग रहा है कि रात में जो है ना वो वॉक करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कवर करूँगा जाते जाते होटल तक। तो देखते हैं कब तक बना सकता हूँ। अभी मूव करता हूँ टुवर्ड्स होटल और ज़रा सेंटर सिटी को एक्सप्लोर कर लूँ। चले जी, ये कुछ लोकल्स की हेल्प ली है, लड़कियाँ कुछ मिल गई थी दो, तो उनकी हेल्प लेकर, वो पीछे मेरे आ रही हैं, वो तो उनकी हेल्प लेकर ये जो एक रशियन स्टाइल की बिल्डिंग थी उधर, वो कह रही कि मैं आपको दिखा कर लाती हूँ। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, वो मेरे पीछे पीछे चलती आ रही हैं। तो सनसेट ऑलमोस्ट हो गया, और ये वाली वो बिल्डिंग है जहाँ जो ओल्ड रशियन स्टाइल थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसको रेनोवेट करके इसको बना दिया, फिर गवर्नमेंट का ऑफिस बना दिया। ये है जी बिल्डिंग जो रशियन टाइम की बनी हुई है, और बैटरी कैमरा की थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो गई है सर्दी में। इसको पता नहीं क्या, जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ है इसने इसके हाथ पांव ठंडे हो गए हैं, और इन्होंने जो है ना वो कैमरा मेरा बैटरी लो कहकर ऑफ हो जाता है। खैर जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ। ये एक बिल्डिंग है रशियन स्टाइल की, एक वो उस साइड पर। ये व्हाट्स योर नेम? एदा। ये है एदा, जिन्होंने इस बिल्डिंग को जो है ना वो यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की। इसी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ये पार्क है, और एक ये वाली बिल्डिंग है। इस पार्क में किसी साहब की पिक्चर लगी हुई है, ये कौन सा है नीचे लिखा भी हुआ है, तो आपको पढ़ के बताता हूँ ये किसकी है। यार ये तो उसमें लिखा हुआ 1931 की कोई, 1928-1931 का कोई ये है। मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा अतातुर्क की होगी, क्योंकि 1931 में वो अतातुर्क ने ही वो हिसाब किताब किया था ना टर्की का, तो ये उसी की पिक्चर लगाई होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में अतातुर्क की तस्वीरें ज़्यादा लगी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द टर्की। चलें जी, वहाँ से वापस हुआ हूँ, जा रहा हूँ अगेन कैसल की तरफ। और ये बीच में एक बिल्डिंग नज़र आई है, जो अभी क्रिसमस की वजह से अगेन इन्होंने थोड़ा सा इसको लाइटिंग शाइटिंग की हुई है, और बहुत खूबसूरत लग रही है। किला वो रहा सामने ऊपर, इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो अभी थोड़ा सा नाइट का मैंने इसको देखना था कि कैसा लगता है, क्योंकि लाइटिंग बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ से भी देखेंगे तो लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, तो करीब जा के देखता हूँ इसको है कैसी, आपको दिखाता हूँ फिर। और भाई ये किसी हिसाब से टर्की लग ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोवियत कंट्री होता है ना, ठीक है, ओल्ड टाइप चीज़ें हैं। और मैंने अभी थोड़ी सी हिस्ट्री गूगल की और पढ़ रहा था, तो उसमें ये भी पता चला कि ऑटोमन्स की 1877 से 1878 तक ऑटोमन्स और रशिया की वॉर भी हुई है इसी एरिया को लेकर, तो इसीलिए यहाँ पर रशियन टच थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जी ये रहा वो जो दिन में आपको मैंने लोकेशन दिखाई थी, कार्स, और ये वो जहाँ पर कार्स लिखा हुआ है, और पीछे ये रहा फोर्ट, और रात का व्यू कुछ ऐसा था। तो इसी वजह से, चूँकि मैंने देख ली थी दिन में लाइट्स लगी हुई थी वहाँ पे, तो अभी उसको ही कवर करने के लिए वापस इस जगह पे आया हूँ कि ताकि जो है ना वो एक एंडिंग यहाँ पे आकर आपको रात का भी व्यू दिखा दूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, आप थोड़ा सा गैस करें कि अभी टाइम क्या होगा। नॉर्मली हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे ये हो रहा होता है कि यार थोड़ा सा रोशनी होगी, थोड़ी सी अंधेरा हो गया है, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे 5:30 बज चुके हुए हैं, और ऐसा घुप अंधेरा है ना, सिर्फ ये लाइटों की वजह से थोड़ा सा ब्राइट सा आ रहा है, अदरवाइज़ बहुत शदीद घुप अंधेरा हो चुका हुआ है। तो ये देखें, ये होता है
टाइम डिफरेंस ना, 5:30 बजे इतना ज़बरदस्त, 4:30 बजे जो है ना वो सनसेट हो गया था यहाँ पे। सो जी बैक टू टर्मिनल, बैक टू पवेलियन। टर्मिनल इसलिए याद आ रहा है कि यहाँ हर किसी से पूछ रहा हूँ कि बस के टर्मिनल किधर है जो ड्रॉप जोन जाएगी। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, कार्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, आपने भी देखा होगा। कल का प्लान दो हैं, या तो जो आर्मेनियन बॉर्डर साइड पे जो फोर्ट है वहाँ जाऊँगा, या फिर जो है वो ड्रॉप जोन निकल जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा मसला ये आ रहा है कि इंग्लिश का काफ़ी इशू है, लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मुझे टर्किश नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको उर्दू भी नहीं आती। तो खैर सुबह फिगर आउट करूंगा इसको कि कहाँ जाना है, तो देन आपको उस हिसाब से अपडेट करूंगा। तो आज के दिन यहाँ पे एंड कर दूँगा, क्योंकि सारा दिन मैंने वॉक किया, कहीं एक जगह पर मैंने गाड़ी नहीं ली। तो अभी बस एंड करूँगा यहाँ पे व्लॉग को, और बाकी आप कल के नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा चीज़ें कि आगे क्या हुआ है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, ताकि जो है ना आपको अगली आने वाली वीडियोस टाइम से मिलती रहें, और आपको एक अच्छा टर्की टूर जो है ना वो मैं फर्दर दिखा सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।